नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के कई इलाके पिछले 3 दिनों से ही हिंसा की चपेट में। अलवर में सैनिक की हृदय गति रुकने से हुई मौत। बूंदी में बड़ा हादसा, बस गिरी नदी में 24 लोगों की हुई मौत। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के कई इलाके पिछले दिनों से हिंसा की चपेट में है। इसे देखते हुए इलाके में हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। हिंसाग्रस्त चांदबाग इलाके में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक उनका सोमवार शाम से कोई अतापता नहीं था। सूत्रों के अनुसार खुफिया विभाग में ड्राइवर के तौर पर मृतक अंकित शर्मा कार्यरत थे। जानकारी मिल रही है कि इसकी हत्या तैनाती के दौरान नहीं हुई है। मृतक चांदबाग इलाके में ही रहते थे। बताया जा रहा है कि साल 2017 में उसने आईबी में नौकरी करना शुरू किया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल भी हिंसा का शिकार हो चुके हैं। अब तक हिंसा में 20 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा लगभग 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गोकुलपुरी के एसपी ऑफिस में हेड कांस्टेबल रतनलाल को अपनी जान हिंसा के दौरान गंवानी पड़ी थी। दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के मोजपुर में वो पत्थरबाजी के दौरान घायल हो गए थे। राजस्थान के सीकर के रहने वाले रतनलाल 1998 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर नियुक्त किए गए थे। घटना के दौरान वो गोकुलपुरी एसपी के ऑफिस में नियुक्त थे। जानकारी के अनुसार वे यहाँ अपनी पत्नी 3 बच्चों के साथ रहते थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जारी हिंसा और उपद्रव में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी रतनलाल को केंद्र सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है। राजस्थान के सीकर से बीजेपी सांसद सुमेधानंद ने, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस मामले में बातचीत की। सुमेधानंद ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से बातचीत के बाद मीडिया को इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल को शहीद का दर्जा मिल चुका है। बेंगलोर में तुलसी टोटा स्थित खेतेश्वर मंदिर और खेतेश्वर भवन की द्वितीय वर्षगांठ पर बेंगलोर राजपुरोहित संघ की ओर से आयोजित समारोह वेदांताचार्य डॉ. ध्यानाराम महाराज आसोतरा, दंडी स्वामी श्री 1008 देवानंद जी, श्री विठल कृष्ण जी महाराज गोदाम पथमेड़ा के सानिध्य में मंगलवार को हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। समारोह के तहत मंदिर में खेतेश्वर महाराज की विशेष पूजा अर्चना की गई और महाआरती की गई। इसके बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण लाभार्थी परिवार द्वारा किया गया। सोमवार शाम को गुरुदेव वेदांताचार्य डॉ. ध्यानाराम ने अपने मुखारबिंद से समाज को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने समाज को अच्छे संस्कारों के साथ एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने का आह्वान किया। आज के युग में संस्कार के माध्यम से ही जीवन जीने की राह मिलती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार ही सच्चा धन है, संस्कार ही जीवन की धरोहर है। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में खेतेश्वर महाराज की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लगा रहा। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं एवं पुरुषों का पूरे दिन दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान राजपुरोहित संघ के पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब खबर अलवर के नारायणपुर से। कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बामनवास काकड़ के निवासी सेना के जवान रमेश मीणा की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रमेश मीणा पुत्र राम मीणा आर्म्ड 11 जनरेटर चार्ली कंपनी जम्मू में तैनात थे, जो 29 फरवरी 2020 को रिटायर्ड होने वाले थे। उनके 2 पुत्र राहुल एवं अंकित तथा 1 पुत्री पूजा है। पूजा कुछ दिनों पहले सचिवालय में लिपिक पद के लिए नियुक्त हुई है। रमेश मीणा रिटायर्ड के कागज़ तैयार करवाने के सिलसिले में जबलपुर कागज़ तैयार करवाकर वापस ड्यूटी पर पहुंचे थे। ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत हो गई। सेना के जवान की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र के आसपास शोक की लहर छा गई। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शकुंतला रावत, थाना गाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा, पूर्व UIT चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी थाना गाजी अजय कुमार आर्य, तहसीलदार भीमसेन सेनी, नारायणपुर नायब तहसीलदार कैलाश चंद्र पोसवाल मौके पर पहुंचे एवं सेना के जवान को पुष्पांजलि भेंट कर परिजनों को सांत्वना प्रदान की। वहीं सैनिक का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देकर किया गया। इस मौके पर पूरणमल लक्ष्मण, एक्स सूबेदार मोहन सिंह, विक्रम मीणा, करण सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
शायद ज्यादा खुशी हो गई, बच्चियां भी नौकरी पे लग गई, खुद रिटायरमेंट आ रहा था तो शायद ज्यादा खुशी के अंदर चला गया। जैसे ये आपको सूचना कब मिली? हमको सुबह, कल सुबह 4 बजे। किस माध्यम के द्वारा ये सूचना? मोबाइल के माध्यम से। देखिए, ये देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा हमारे सेना की सेवा मानी जाती है, उसमें इनका सारा सेवाकाल रहा और अभी 29 तारीख को इनका रिटायरमेंट था, लेकिन हृदय गति रुकने के कारण ये एक असामायिक क्षेत्र को और इनके परिवार को पूर्णीय क्षति हुई है। इनका परिवार बहुत ही सामाजिक परिवार है और पूरे परिवार की समाज सेवा में पूरे क्षेत्र में बैठ है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनके बच्चों को वो मनोबल प्रदान करें और पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। एक जनप्रतिनिधि ना होने के नाते भविष्य में कभी भी कोई भी मेरे लायक कार्य होगा तो मैं इस परिवार के लिए सदैव तत्पर हूँ और ईश्वर से इनकी आत्मा के शांति की प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश के देवरी में झुनको पुल से लेकर सिविल कोर्ट तक की सड़क का निर्माण कार्य व बस स्टैंड से लेकर पुराना बाईपास तक बन रही सड़कों के निर्माण कार्य देवरी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनाया जा रहा है। मंत्री हर्ष यादव ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। वहीं नगर की सीसी रोड एवं नव निर्माण बनाई जा रही नालियों का जायजा लिया गया और संबंधित ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी। अगर निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई तो संबंधित ठेकेदारों की राशि पर रोक लगा दी जाएगी। अब खबर बूंदी से। बूंदी जिला कोटालाल सोट मेगा हाईवे के लाखेरी क्षेत्र के पापड़ी गांव में बरातियों से भरी बस पापड़ी पुलिया से पिल्लर तोड़ती हुई मेज नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ है। बस पानी में उल्टी गिरने से जिसमें 24 लोगों के मरने की सूचना मिली है। लोगों की भारी भीड़ जमा हुई व बरातियों को बचाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि बस कोटा से रवाना हुई थी जिसमें जवाहर नगर गणेश तालाब में रहने वाले धोबी समाज के लोग सवार थे। परिवार के लोग मायरा लेकर सवाई माधोपुर जा रहे थे। बचाव दल को पहुंचने में समय लगा जिसके पहले ग्रामीणों ने मेज नदी में उल्टी गिरी बस को टेढ़ा किया। काफी मशक्कत के बाद बस में से कई बरातियों को बाहर निकाला गया तथा बस में पानी भर चुका था। पानी में डूबने से भी कई लोगों की मौत हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए संभागीय आयुक्त से चर्चा कर घटना मौके की पूरी रिपोर्ट लेकर परिवार के प्रति संवेदना जताई है। यह घटना राज्य की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। जिला कलेक्टर एसडीएम, जिला पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति संबंध बनाने जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवरी में मेहर बाबा के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर बाबा के भक्तों द्वारा मंगलवार को दिलीप चौरसिया के घर से बाबा की शोभा यात्रा शुरू हुई जो कि नगर के मुख्य चौराहे से होते हुए मानस भवन पर जा पहुंची। वहां पर बाबा की महाआरती पूजन किया गया। पूजन के उपरांत भंडारा किया गया। महाआरती व पूजन में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री व देवरी विधायक हर्ष यादव शामिल रहे जिनके द्वारा बाबा की आरती उतारी गई। इसी दौरान मानस भवन कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि अवतार मेहर बाबा साक्षात ईश्वर हैं। बाबा के नाम लेने से मात्र सभी संकट दूर हो जाते हैं। सच्चे मन से बाबा को जो भी याद करता है बाबा उसकी जरूर सुनते हैं। ऐसे साक्षात ईश्वर तुल्य बाबा को मेरा प्रणाम है। बाबा की कृपा पूरी देवरी क्षेत्र पर बनी रहे। कार्यक्रम में नेताधिकारी कर्मचारी के साथ नगर के गणमान्य नागरिक व सैकड़ों की संख्या में बाबा के भक्तगण शामिल रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 52 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार पुलिस ने टीम गठित कर करेली पुलिस के साथ मिलकर 52 किलो गांजा छापा मार कर जब्त किया है। आरोपी होली के पहले नशे के कारोबार के चलने बेचने की फिराक में थे। आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। मादक पदार्थ के व्यापार में छत्तीसगढ़ रायपुर से नरसिंहपुर लाया गया था। गांजे की कुल कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी हमने गिरफ्तारी कर ली है। अभी इनसे पूछताछ में विस्तृत कर सके इसके लिए हमने एक दिन का पुलिस रिमांड लिया है। तो ये कहाँ से गांजा लाते थे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था और यहाँ पे गांजा खरीदने वाले जिले में कौन कौन लोग हैं उन सबके हम सूचीबद्ध कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
इस काम को करने के लिए SDP नरसिंहपुर उनके साथ PI अनिल सिगई जी और विशेष दल इनकी विशेष भूमिका रही है। इनको सबको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सर क्या वजह थी, क्यों धंधा करते थे? लगातार 3 दिन से कार्रवाई चल रही है फिर भी अभी तक जानकारी नहीं निकल गया। ये कल ही जानकारी पुलिस को आई थी, इससे पहले जो आपको जानकारी लगी हो सकता मुखबिर वगैरह के लिए लोग लगे थे या उस दौरान आपको पता चल गया हो। कल ही इसकी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहले खबर इकट्ठी की गई, फिर टीम गठित की गई। टीम गठित करके इन्होंने बाकायदा उसको छापा मारा, छापा मार के उसका कार्रवाई की है और फिर उसके बाद गिरफ्तार किया। वजह क्या बताइए सर, क्यों ऐसे कर रहे थे, क्या पैसों के लिए? उनको लगता है कि सहज है, सरल है व्यापार, उनको पैसा कमाने के लिए गांजे का व्यापार कर रहे थे। कैसे सर जिले में आता? तो वहीं नरसिंहपुरा के गाढ़वारा विधानसभा के साईखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों लोग दहशत में हैं। पूरे क्षेत्र में अजारकता अशांति का माहौल बना है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि ग्रामीणों को शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद करने को मजबूर हैं। चाहे बच्चों के स्कूल जाने की बात हो या मरीज के अस्पताल की, कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मामला साईखेड़ा जनपद की मुआर गांव का है। मुआर गांव के पास नदी में रेत का विशाल भंडार है। रेत माफिया दिन रात से यहां से रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। ओवरलोड चल रहे दिन रात सैकड़ों डंपरों ने गांव की सड़कों को नेस्तनाबूद कर दिया है। बीच गांव में सड़कों पर इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि बच्चों के डूबने का डर बना रहता है। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 100 करोड़ से अधिक की रेत यहाँ से लाई जा चुकी है। गाँव के आधा दर्जन लोगों की निजी जमीन से रेत निकाली जा चुकी है। विरोध करने पर पुलिस उल्टा ग्रामीणों पर केस बनाकर जेल भेज रही है। मामले की खबर लगते ही क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह अपने काफिले के साथ रेत खदान पहुंचे और अवैध उत्खनन पर रोक लगवाई। हालांकि भनक लगते ही मौके से डंपर मशीन लेकर माफिया भाग चुके थे। सांसद उदय प्रताप ने अपने साथ वकील, मीडिया कर्मी, प्रशासनिक अमला लेकर गए। मौके पर मौजूद SDM को तत्काल खदान बंद कर अवैध उत्खनन पर रोक लगाने को कहा। साथ पुलिस पर जमकर भड़के सांसद ने कहा, यहां रेत माफिया लोगों में दहशत फैला रही है और पुलिस उल्टा गांव वालों को जेल में डाल रही है। सांसद ने खुलकर कहा कि गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो पूरी तरह तैयार है। पूरे उत्खनन को लेकर पथरिया विधायक पर गंभीर आरोप लगे। आपको बता दें कि पूरी विधानसभा में दर्जनों स्थानों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खुद कांग्रेस के विधायक इसके विरोध में हैं, पर जनप्रतिनिधियों की कोई सुनने वाला नहीं। रेत मामले का प्रमुख कद से चुनाव में बनाकर सरकार बनाने वाले कमलनाथ कुर्सी पर बैठने के बाद सारे वादे भूल गए हैं। भूले भी क्यों ना, कई वर्षों बाद सत्ता का सुख जो मिला है। पर कहीं ऐसा ना हो कि गांव बंदूक की नोक पर हो रहा अवैध कारोबार फिर कांग्रेस को लंबे वनवास पर भेज दे। रेत खदान पहुंचे सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों से सीमांकन करने को भी कहा। सांसद ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इस मामले में वे उनके साथ हैं। रेत उत्खनन का मामला हाईकोर्ट ले जाया जाएगा। सांसद के साथ गाडरवारा के 4-5 अधिवक्ता भी मौजूद थे। बंदूक की फायरिंग वगैरह नहीं होती है, फोन करते हैं अगे आतंकवादी करते है बाहर कर्मचारी। जी हमारी समस्या ये है कि गांव की स्थिति इतनी खराब है कि रोडों पे पैदल के गाली वाले कोई भी नहीं चल पा रहा। बाल बच्चे स्कूल वाले जो गालियां हैं वे भी खराब हो जाती हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे। जो गांव की स्थिति है आप देख रहे हैं, फायरिंग वगैरह भी होती रात में। आज ऐसा कोई थोड़ी मुत की अपन ऐसे दिन से कहते हैं तो फिर रात में आके धमकी भी देते हैं, कुछ कुछ लोग आते हैं। तो जो गाँव की सड़क कैसे मिट्टी है आपकी? गाँव की सड़क जम फ्रॉम मिट्टी का की डम्पर रेत के डंपर देर रात से चल रहा जी देर रात फायरिंग वगैरह भी होती रात में। साईखेड़ा क्षेत्र में कुमड़ा से लेके मुआर तक बहुत ही ज्यादा रोड की दुर्दशा खराब हो गई है। इसमें बच्चों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्रशासन के अधिकारी इस रोड पर कोई भी ध्यान नहीं देता और कुमड़ा से यहाँ 5 खदानें चल रहे, मतलब उसमें यदि आप पता करने जाओ तो शायद कांग्रेस के किसी भी मंत्री का नाम तक काला जाता है कि ये इस मंत्री की खदान है। इसलिए क्षेत्र में
शांति का माहौल बने, ऐसा कोई होना चाहिए। कहाँ से? दिल से। तुम्हारा खुद का खेत है? खुद को, घर को हमारा। हाँ। नई चोरी के बगल में भी खदान, बाकी इतने उठ भी हमारी उठी। हाँ। शिकायत की थी आपने? हाँ? शिकायत की थी? कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। हम तो रपोर्ट डाली, पटवारी थी तीन चार दान बोला चौके, पटवारी आते ही नहीं है साहब। कौन ने उठाई देता? जी साहब, डंपर मारो। क्या नाम है आपको? भैया लाल। ये था कहाँ से? दिल से। तुम्हारा खुद का खेत है? खुद को, घर को हमारा। हाँ। नई चोरी के बगल में भी खदान, बाकी इतने उठ भी हमारी उठी। हाँ। शिकायत की थी आपने? हाँ? शिकायत की थी? कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। हम तो रपोर्ट डाली, पटवारी थी तीन चार दान बोला चौके, पटवारी आते ही नहीं है साहब। कौन ने उठाई देता? जी साहब, डंपर मारो। क्या नाम है आपको? भैया लाल। जी बताए। पटवारी सुन रहा हूँ, हम रपोर्ट तक करी। कौन सी समस्या है आपकी? रेत उठ गई साहब हमारे खेत की। आपके खेत से उठ गया? आपने कहीं शिकायत की? हाँ जी, रपोर्ट हो चुकी। कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं भाई, कार्रवाई नहीं। किसने उठाई? डंपर मारो। वो गाँव में क्या समस्या है? डंपरों में लेके क्या समस्या है गाँव में? रोड का समस्या है गांव में? गांव में रोड खराब है। और हमने सुबह सब भगा दिए गए। किसके संरक्षण में भगाए? कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मानते हैं। अरे राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक संरक्षण है। राजनीति व्यवस्था को तो खत्म किया जा सकता है, राजनीतिक व्यक्ति को तो दबाया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को कठिन काम, चूंकि वही नीति निर्धारक है। ये प्रशासनिक लैकुना है। ये अब सरकार तक तो जाएंगे। अरे स्वाभाविक रूप से लड़ाई लंबी चलेगी, और ये मान के चलो जनता को भले ही टेंट लगा के सड़कों में बैठना पड़े, लेकिन अब ये ट्रकों की आवाजाही और ये गुंडागिर्दी आज के बाद बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल। खदान प्रशासन बताए किसकी खदान कहाँ है, वहाँ लाल झंडी लगाए कि ये इसकी वैध खदान है। पटवारी को मालूम नहीं कहाँ खदान। लोग इतने आक्रोशित है क्योंकि बड़ी घटना हो जाए। अभी पुलिस ने उल्टा यहाँ के लोगों को बंद कर दिया कि तुम ये डंपर क्यों रोक रहे हो, तुम सरकारी कार में अवैध उत्खनन में दखल क्यों दे रहे हो। उनको भेज दिया, छह सात दिन में विचारों की जमानते हुई मुश्किल से लौट के आए। हालत यह है कि आज हम लोगों ने आग्रह किया शहर में, ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं, पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है। हम लोगों ने कहा वकीलों से आप भी चलो, पत्रकारगणों से कहा आप भी चलिए, समाज के प्रबुद्ध जन से कहा कि आप भी चलो, आप चल के देखो तो कम से कम यहाँ गैर राजनीतिक रूप से। मैं एक आम मतदाता के इस नागरिक के नाते आया हूँ, बतौर सांसद के हम धरना भोपाल में दे सकते हैं जाकर, लेकिन ये सवाल धरने का नहीं, सवाल राजनीति का भी नहीं है। यहाँ की लोकल विधायक जो कांग्रेस पार्टी से, वो स्वयं चिल्ला रही, कोई नहीं सुन रहा। अरे अराजकता आखिर कब तक? जो लोग शामिल हैं उनको दंडित करे प्रशासन, अवैध उत्खनन हुआ उसकी वसूली करे, और कम से कम कुछ मत करो भाई। तुम्हें जो दिख रहा, तुम्हारी सरकार जो चाह रही तुम करो, लेकिन गांव वालों को सुख से जीने दो। गांव वालों को सुख से जीने का अधिकार इस देश में उनका नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो जनता के साथ हैं। और जनता लोगों को सांसद जी ने सूचना दी कि भाई आप अधिवक्तागण हमारे साथ चलें ग्रामीण मोहर में, जिस पर की अवैध खनन का उपयोग किया जा रहा है। और ये आके जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को वास्तव में ये पीड़ा हुई कि यहाँ पे रोडों से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ के आदमी को जीना दुभर है, वास्तव में कैसे नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और हम लोग सांसद जी के कहने पर, हमने अभी कुछ नाम लिए यहाँ पे, 10-15 नाम हमारे पास आए हैं जो भूस्वामी हैं, उनकी भूस्वामियों की खेत से रेत निकाली जा रही है, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई जितनी अच्छी हो सकेगी वो हम लोग करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सब ग्रामीण के साथ हैं, ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ हैं, हमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से वास्ता नहीं। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी जो पनप रही है वो हम रोकने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, हम लोग भाई लोग सभी साथ में हैं। सूरतगढ़ में आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीसी पेराफेरी संघर्ष समिति के संयोजक महावीर तिवारी का आमरण अनशन आज तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। महावीर तिवारी ने बताया कि हमारी मांग है कि टीसी पेराफेरी किसानों की भूमि किसानों से छीनकर भूमाफिया के हवाले कर रही है, किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तिवारी ने कहा कि मैं अपने राजनीतिक गुरु पूर्व विधायक गुरुशरण छाबरा के आदेश पर चलते हुए अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। तिवारी ने कहा कि प्रशासन ने यदि जबरदस्ती चिकित्सालय में भर्ती भी करवाता है तो भी मेरा अनशन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा, अपने हाथ से अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अनशन स्थल पर समिति संयोजक ने बताया कि मेरे साथ समिति के सभी सदस्य साथ हैं, पार्षद मदन ओझा, महावीर भोजक,
जवाहर शिपा, मोहम्मद अकबर पठान, अहमद अली, भगवान दास शर्मा, कामरेड लक्ष्मण शर्मा पूर्व पार्षद, राजेंद्र सिंह भादु पूर्व विधायक सूरतगढ़ आदि सभी का सहयोग होने के नाते मैंने यह संकल्प लिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज मुझे 3 दिन हो गए हैं बैठे हुए अनशन पर अभी तक भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। आपने आमंत्रण किया है, किस विषय में किया है जरा बताइए। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, एक तो ये कि किसानों की किसी भूमि को खातेदारी दी जाए। 50 सालों से भी ऊपर हो गए किसानों को आज तक खातेदारी नहीं दी गई है। तहसील के अंदर रिश्वत का बोलबाला, जो किसान पैसा दे देते हैं रिश्वत का अधिकारियों को कर्मचारियों को, उनको खातेदारी दे दी गई और जो किसान रिश्वत नहीं दे सके उनकी नहीं दी गई। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो भूमि तेरा फेरी के अंदर आ गई उनको मुआवजा दिया जाए या अन्यत्र भूमि दी जाए। आपको कितने दिन हो गए बैठे को? मैं 24/2/2020 से प्रातः 12 बजे से, यानी 3 दिन हो गए आपको बैठे को? हाँ 3 दिन। और प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सोया हुआ है। सोया हुआ है? हाँ। डॉक्टर वगैरह नहीं आ रहे? डॉक्टर आज चेकिंग के लिए आए। अच्छा, और आपकी मांग अगर नहीं मान ली जाती है तो फिर आप क्या करोगे? मैं अपने राजनीतिक गुरु गुरुशरण छाबड़ा के पद चिन्हों पर चलता हुआ अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा यदि हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महावीर तिवाड़ी। खबर अब भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिला उद्योग केंद्र की ओर से 2 दिवसीय उत्तम समागम मेला भीलवाड़ा में लगाया जा रहा है। टेक्सटाइल कॉलेज में आयोजित मेले में भीलवाड़ा के साथ ही प्रदेश भर अग्रणियों उद्योगपतियों की 50 से अधिक स्टॉलें लगाई जाती हैं। उद्योग मेले का शुभारंभ बुधवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने फीता काटकर किया। इस मौके पर भट्ट ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते भीलवाड़ा में उभरते उद्यमियों के लिए ये मेला बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। भट्ट ने यह भी कहा कि आने वाले समय उद्योगपतियों के लिए अलग से अप्रैल पार्क भी बनाया जाएगा। वहीं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपुल जानी ने कहा कि समागम का मुख्य उद्देश्य जिले में औद्योगिक विकास व संभावनाओं के साथ विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की जानकारी देना है। MLV टेक्सटाइल महाविद्यालय में 2 दिवसीय सेमिनार में जिले के उद्यमी, भावी उद्यमी व स्वरोजगार के लिए युवा हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही समागम में GST रिटर्न भरना, टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की लेटेस्ट डिजाइन, निर्यात, गुणवत्ता नियंत्रण, उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की भी जानकारी दी जाएगी। भीलवाड़ा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना है और उसके लिए राज्य सरकार द्वारा अभी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 निकाली गई है वो प्लस पॉलिसी है, मतलब प्लस वन उसे बोल सकते हैं। किसी भी स्टेट के इंडस्ट्रियल पॉलिसी से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो प्लस वन। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमियों के लिए ये एक अच्छा अवसर है कि उसके अंदर वो इस पॉलिसी के माध्यम से, नई स्कीम्स के माध्यम से, और इस बार जैसा कि इस पॉलिसी में भी है कि कोई भी कन्वर्जन आपका 0 है, स्टैम्प ड्यूटी माफ है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि 10 लाख तक के जो लोन्स हैं उसमें कोई कमेटी नहीं बैठेगी, सीधा लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव रूप से आई हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। सरकार के द्वारा और प्रशासन द्वारा प्रयत्न किए जाएंगे कि अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार में आए और उद्यमी बने, कुछ नई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ भीलवाड़ा में आए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कुछ ऐसे अच्छे अवसर मिल सके जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा उद्देश्य यह है उद्यम समागम का कि जिले के औद्योगिक विकास और जिले की औद्योगिक संभावनाओं को एक प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं को अवगत करना, ताकि युवा जो है वो उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित हों और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्रदान करना, ताकि उन योजनाओं का लाभ लेकर युवा जो है अपना उद्यम स्थापित कर सके। इस उद्यम समागम में 50 स्टॉलें लगाई गई हैं जिसमें मुख्य रूप से जो उत्पाद यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं उनका प्रदर्शन किया गया है, कुछ टेक्सटाइल मशीनरी का प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि हमारा इस उद्यम समागम का थीम वो टेक्सटाइल और मिनरल आधारित था। आपने देखा होगा इसके अंदर कई ऐसी भी इकाइयाँ हैं जो कि स्टोन के ऊपर कार्विंग वगैरह कर रही हैं लेटेस्ट मशीन टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए इसके अंदर लोगों को
और युवाओं को ये बताना कि यहाँ पे किस तरह का कार्य हो रहा है ताकि वे भी प्रेरित हो सके इस प्रकार के कार्य को करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।